हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ कर रही हूँ डेकोरेशन, क्योंकि आज है हरतालिका, तो हम कर रहे हैं हरतालिका की पूजा की तैयारी। तो हम हर साल मंदिर में करते हैं, बट इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि यहाँ थोड़ा सा छोटा सा डेकोरेशन करूँ, तो मैं वो रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैंने फ़ोटो फ्रेम हटा दी, वहाँ एक खिला लगा था, वहाँ पे मैंने जो हमने उस दिन मार्केट से लाए थे जो लड़ियाँ, वो लगा दी है। वो इजीली लटक गई वो खिलों में। और वहाँ मैंने छोटा सा टेबल रख लिया है, और साइड से उसको क्रॉस करके एक जैसे टेंपल का ऊपर का साइड का जो पोर्शन होता है, वैसे मैंने उसको वैसे शेप में उसको लगा के वहाँ सेलो टेप लगा दिया है। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन किया है, डेकोरेशन बोल ही नहीं सकते। दो लट लगा दी है और वो टेबल को रख दिया है, पर वो बहुत सुंदर लग रही है। लट हमने जब खरीदी, हमें लगा नहीं था इतनी अच्छी दिखेगी, बट हम जब भी उसको यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर दिख रही है और हमें बहुत अच्छी लग रही है। हमने यहाँ छोटा टेबल लिया है, हम बड़ा लेने वाले थे, जैसे हम जो टीपाय रखते हैं ना सोफ़ा के बाजू में, वो पट हम खाना वगैरह रखते हैं उसमें, खाना वगैरह खाते तो प्रॉब्लम जाती है। एक ऐसा एक प्लाई बोर्ड रखा था हमारे घर में, जो कि हमने उस साइड वो प्लास्टिक के डिब्बे पे रखा था सामान रखने के लिए, तो हमने वो उसके वहाँ रखा। तो मैंने ये टेबल को बड़ा करने के लिए मैंने उसको यहाँ रख दिया है, तो थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया टेबल का। और छोटे छोटे दो फ्लावर पॉट रख दिए हैं, ताकि वो जो नीचे डंडी है उस लड़की मतलब लटकी जो हमने लगाए हैं वहाँ पे, उसके वो दिखे ना, इसलिए दो फ्लावर के पॉट रख दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम हो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैंने ये डेकोरेशन थोड़ा सेटअप ऐसे कर लिया है, ये निकल गया से। सिंपल सा टेप लगाया था मैंने इसको, कहाँ गया, यहाँ पे ये हम हर साल मंदिर में ही करते हैं, पर मंदिर में अभी थोड़ी जगह कम होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ छोटा सा सेटअप कर लिया है। ये तो उस दिन हमने सैटरडे मार्केट से लिया था वो है, और यहाँ की फ़ोटो फ्रेम मैंने निकाल के रख दी है साइड में। ओए क्यों गिर रहा है। और ये हमने ऐसा छोटा सा सेटअप कर लिया है, यहाँ छोटा सा टूल लग रही है। और ये बाकी की पूजा की तैयारी मैंने स्टार्टिंग में ही करके रखी थी, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है और पेड़ बाकी की तैयारी। अरे पहले हमें आरती के लिए थाल सजानी है, तो आरती की थाल में कौन सी लूं, आरती की थाल, ये रही थाल। ओके, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो हम यहाँ पे गौर नहीं पैरते हैं, बस हम रेती की शंकर जी की पिंड बनाते हैं और हल्दी की बनाते हैं गौरी मैया की। तो हम उसके लिए यहाँ पे मैंने दो थालियाँ ले ली है, और उसको मैंने वहाँ रख दिया है, ताकि जब भी हम पूजा करेंगे तो हमें पूजा की सारी चीज़ें रेडी करके रख रही हूँ। जो जो चीज़ें हमें वहाँ वक्त पे काम आएगी सब रेडी रहेगी, तो पूजा करने में इजी रहेगा। और मैंने यहाँ सारी वनस्पति जमा कर ली है, मुझे जितने प्रकार की मिले मैंने उतने प्रकार की ली। बोलते कि 16-16 इसकी लेनी होती है। और तो मैंने वो वनस्पति सारी जमा करके उसको 16-16 पत्ते ऐसे बांध के ले लिए हैं, और मुझे यहाँ बेल पत्र नहीं मिला। बेल पत्र सिटी में जाना पड़ता है, तो हमें नहीं मिला, तो हमने फूलों की माला से ही सजा लिया है। और हम हो गए हैं रेडी। मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया रेडी होने का, मतलब मेकअप वगैरह का, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, और वैसे भी हम बहुत अभी पूजा बाकी थी, तो हमने डायरेक्ट ही मैंने पूजा का शूट किया है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, मैंने रेती को अच्छे से छान लिया था, ताकि जो भी उसमें जो मिट्टी बड़े बड़े पत्थर होते हैं और जो अब पत्ते कचरा वगैरह होता है पेड़ पौधों का, वो निकाल लिया है और उसको धो के रख लिया था। तो इस बर्तन में हम एक और बार रेती को धोएंगे,
और रेती को 5 बार ऐसे धो के डालते हैं एक एक थाली में। मतलब हमारे घर में हम दो पिंड बनाएंगे, मम्मी एक अपने लिए बनाएंगी और मैं अपने लिए एक, पर हम दोनों मिलके वो रेती लेंगे। और हम अब उसी थाली में छोटे छोटे 2 पिंड बनाएंगे। मम्मी का बना के हो गया, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, तो वो रेती स्लिप होके जा रही थी, तो मुझे वो थोड़ा पानी निकालने में समय लगा रेती का। और अब हम हल्दी की मूर्ति बनाएंगे, तो गौरी माता की वो मूर्ति बनाते हैं, तो हम हल्दी से बनाते हैं और उसमें सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे चावल से दांत बनाते हैं और ज्वार के दाने से और उसमें आंखें बनाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है बनाने में। फाइनली मेरी रेती की पिंड बना के हो गई है बहुत मेहनत के बाद, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है उसमें तो वो स्लिप होने लगता है, फैलने लगता है, इसलिए अब मैं हल्दी की मूर्ति बनाऊंगी। अब मैं उसमें लगा रही हूँ चावल के दाने, 5 चावल के दाने लगाएंगे और 2 ज्वार के दाने। अभी हमारे दोनों ही मूर्तियाँ बन के तैयार है, तो हमने पिंड के साइड में ही मूर्तियाँ रख दी और मैं वो प्लेट अच्छे से थोड़ा साइड से क्लीन करके वहाँ पे रख दूँगी। क्लीन इसलिए किया क्योंकि थोड़ी रेती हाथ के जब हम बनाते हैं वो तो इधर उधर लग जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे क्लीन कर लिया। तो अब हम करेंगे पूजा। तो हमने 2 साइड में 2 दिए जलाए हैं क्योंकि एक दिया नहीं जलाते, तो हमने 2 तरफ 2 दिए रखे हैं। और मैं यहाँ एक पान और सुपारी रख रही हूँ, वो गणपति जी का प्रतीक होता है, तो मैंने 2 पान रखे हैं और उस पर सुपारी रखी है। मतलब यहाँ पे शंकर जी भी है, गौरी मैया भी है और गणपति जी भी है, क्योंकि सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है इसलिए। तो हम जो सुपारी मानते हैं वो गणपति जी का प्रतीक मानते हैं, तो हमने वहाँ रख के वहाँ पूजा कर ली। हम उसमें फूल चढ़ाएंगे और मैंने सुबह माला बनाई थी तो वो माला रख देंगे, क्योंकि मूर्ति पे तो माला बराबर बैठेगी नहीं, पर प्लेट में मैंने पीछे से ऐसे हार जैसे पहनाते हैं वैसे मैंने उसको माला लगा दी। अब हम सारे वनस्पति जो हमने तोड़े हैं, यानी जो 16 16 पत्तों का हमने जो बनाया है
वो रख देंगे, और साथ में दुर्वा रखेंगे। मैंने 21 दुर्वा रखे हैं, यानी गणपति जी रखा है वहाँ पे, तो 21 पत्तों का दुर्वा रखा है। अब हमने दोनों साइड थोड़े थोड़े चावल रखे हैं, उस पर हम फल रखेंगे। फल में काकड़ी रखते हैं और ये रखते हैं कॉर्न, मकई, बट हमारे पास मकई नहीं थी तो हमने दो काकड़ी और एक एप्पल था तो वो रख लिया। तो अब हम करेंगे आरती। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति लंबोधर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तोंड त्रिनेना दास रामाचा वाट पाये सलना संकटि पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति धवधवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषकंठ काळा त्रिनी त्रिज्वाळा लावण्य सुंदरी मस्तकी बाळा तेथुनिया जळवा निर्मळ झुळझुळा जय देव जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय कर्पूर गौरा भोळा नयनी विशाळा वरदांगी पार्वती सुमनांच्या माळा युतीचे उधळन शिती कंठ निया ऐसा शंकर शोभे उमा विल्हाळा जय देव जय देवी दैत्य सागर मंथन पैकेले त्यामाजी योजित हल हल उठले ते असुरप प्राशन केले निळकंठ नाम प्रसिद्ध जारे जय देव जय देव व्याघ्रांबर फणिवर धर सुंदर मन नारी पंचानन मन मोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटी जय विधवाचे उच्चारी रघुकोटी रामदास अंतरी जय देव जय देव जय देव जय देव व्याघ्रांबर फणिवर धर सुंदर मन नारी पंचानन मन मोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटी जय विधवाचे उच्चारी रघुकोटी रामदास अंतरी जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री शंकर स्वामी शंकरारती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव शंकरा शिवहरा हे गौरी नायका नाम स्मरता प्रसन्न होऊन तारिसी भक्तांना हे शिव शंकर हर 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 हे शिव शंकर हर हर हे शिव शंकर शंकर हर 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 शंकर हर शंकरा शिवनाथा हे गौरी गंगाधरा आरती तुझ हे विश्वेश्वरा हे पार्वतीवरा ओवाळीते तुझला शंकरा हे गौरी गंगाधरा व्याघ्रांबर तू नित्य सेवसी कंठी रुंड माळ मस्तकी शशी गिरिजातव वामांगी शोभते तशी शोभते कशी शोभते कशी सर्वेश हे महाकाळ मर्दाना भस्मप्रिया भूतपते इंदुशेखरा इंदुशेखरा शिव जय शिव शंभो शंकरा गौरीपती शंभो शंकरा हर 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 हे गिरिजात्मक गौरी हर शंभो शंकरा शिवहरा जय दे जय जय क्षेत्रेश्वरा ओंकारा जय शिवा शंभो शंकरा गौरीपती शंभो शंकर हर 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 हे गिरिजात्मक गौरी हर शंभो गौरीपती गौरीपती शंभो शंकरा शिवहरा हे गौरी नायका नाम स्मरता प्रसन्न हो
नितारिसि भक्ताना हे शिव शंकर हर 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 हे शिव शंकर शंकर हर हर हे शिव शंकर शंकर हर 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 शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर। जय देवी जय देवी जय हरिताली के सखी पार्वती अंबिके ओ आरती ओ आयते ज्ञान दीप कलिके हर हर भंगी वससी जासी यज्ञ माहिरासी तेथे अपमान पावसी यज्ञ कुंड गुप्त होसी। जय देवी जय देवी जय हरिताली के सखी पार्वती अंबिके आरती ओ आयते ज्ञान दीप कलिके जय देवी जय तेथे अपमान ृगसी जय देवी जय देवी सखी पार्वती अंबिके आरती ओ वाईते ज्ञान दीप कलिके जय देवी जय केली बहु पोषणे शंभी प्रतार कारणे लीला दाखविसी दृष्टि व्रत करिसी लोकांसाठी पुन्हा वरिसी दुर्जटी मज रक्षावी संकटी। जय देवी जय देवी जय हरितालिके सखी पार्वती अंबिके आरती ओ आयते ज्ञान दीप कलिके जय देवी जय काय वर्णु तव गुण अल्पमति नारायण माते दाविसी चरण सुखवावे जन्मरण। जय देवी जय देवी जय सखी पार्वती अंबिके आरती ओ आयते ज्ञान दीप कलिके जय देवी जय देवी। पूजा करके हो गई है अभी हमारी, हम ऐसे ही करते हैं और ये छोटा सा हमने यहाँ सेटअप लगाया है, नहीं तो मंदिर में करते थे तो फिर वो वहाँ पूजा करने के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए हमने ऐसे बाहर रखा है। इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।